भारत पूरे विश्व में दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में पूरी दुनिया का करीब 30% दाल का उत्पादन किया जाता है। दालों में किसी भी अन्य पौधे की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। दालों में 20-28% तक प्रोटीन होता है और 60% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। दालें थाइमिन और नियासिन जैसे विटामिनों का भी अच्छा स्रोत हैं और इनमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा भी मौजूद होता है। हमारे देश में दालों का विभिन्न रूपों में सेवन किया जाता है। दाल के मिलीकरण के दौरान सफाई, ग्रेडिंग या तेल लगाना, सुखाना, दाने पर से छिलका हटाने के साथ ही दाने को दो आधे आधे भागों में बांटना, ये सभी दाल मिलीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर के वैज्ञानिकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लघु दाल मिल विकसित की है। लघु दाल मिल का परिचालन बेहद आसान है। इसमें दाल का छिलका उतारना और दाल को छानकर अलग करने की प्रक्रिया शामिल है। लघु दाल मिल सिर्फ 1 हॉर्स पावर की सिंगल फेस मोटर से चलती है। लघु दाल मिल में सबसे पहले स्टील या लोहे की छलनी पर चयन की हुई दाल की ग्रेडिंग की जाती है। ये छलनी एक निश्चित कोण पर झुकी होती है जो 2-3 डिग्री तक हो सकता है। छलनी में अलग अलग आकार के छेद होते हैं। इसमें दाल की निकासी के लिए 2 निकास होते हैं। पहले ऊपर की ओर लगी हुई निकासी में छोटे और खराब दाने निकलते हैं और दूसरी निकासी जो नीचे की ओर होती है उसमें से अच्छे और सही आकार के दाने बाहर निकलते हैं। दूसरी निकासी से निकले अच्छे और सही आकार के दानों को पानी में 6-8 घंटों के लिए भिगो दिया जाता है। इससे दाल का छिलका ढीला हो जाता है। इसके बाद इन गीले दानों को एक बार फिर से छाना जाता है। इस प्रक्रिया में पहली निकास नाली द्वारा खराब व टूटे हुए दाने एक कंटेनर में जमा हो जाते हैं। और दूसरी निकास नाली से सही व बढ़िया दाने निकलकर कंटेनर में जमा हो जाते हैं। अब इन साफ किए गए गीले दानों को ट्रे में भरकर धूप में सुखाया जाता है। इन दानों को ट्रे में करीब 5 सेंटीमीटर मोटी परत में बराबर फैलाया जाता है और जब ये दाने पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें इकट्ठा कर लघु दाल मिल में प्रसंस्करण के लिए लाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को प्री कंडीशनिंग कहते हैं। अब इन दानों को लघु दाल मिल में सबसे ऊपर लगे हुए एक हॉपर में डाला जाता है।
जिससे होकर ये डीहस्किंग सेक्शन में पहुंचती है, जहां एक एम्ब्रिकोटेड ट्रंकेटेड कोन घूमता रहता है, जिसके ऊपर एक जाली लगी होती है। यहां दाल से छिलका अलग हो जाता है और दाल दो भागों में बट जाती है। छिलका एक एस्पिरेटर द्वारा पाइप से होता हुआ एक अलग बोरे में एकत्र हो जाता है। और दाल नीचे लगी छलनी पर आकर गिरती है। इस छलनी में दो आकार की जालियां होती हैं। ऊपर की ओर वाली जाली में छेदों का आकार छोटा होता है, जिसमें मिलीकरण की प्रक्रिया के दौरान टूटी हुई दाल के टुकड़े छनकर पहली निकासी से बाहर आ जाते हैं। आगे के बड़े छेदों में से छनकर साफ सुथरी सही दाल दूसरी निकासी से बाहर आती है। और अंतिम यानी तीसरी निकासी से बगैर टूटे हुए और छिलका लगे हुए बड़े दाने बाहर आते हैं, जिन्हें दलने के लिए दोबारा हॉपर में डाल दिया जाता है। लघु दाल मिल की क्षमता 100 से 150 किलोग्राम प्रति घंटे की है। लघु दाल मिल के द्वारा 77 से 80% तक बढ़िया क्वालिटी की दाल प्राप्त की जा सकती है। लघु दाल मिल में पूरी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले दाल के छिलके को पशु के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CFTRI के वैज्ञानिकों ने लघु स्तर पर दाल के प्रसंस्करण के लिए बहुमुखी दाल मिल तैयार की है। इस बहुमुखी दाल मिल में सभी प्रकार की दालों को प्रसंस्कृत किया जाता है। इस मिल की क्षमता 250 से 300 किलोग्राम प्रति घंटे की होती है और ये संयंत्र 16 हॉर्स पावर पर कार्य करता है। बहुमुखी दाल मिल में सबसे पहले प्रसंस्कृत की जाने वाली दाल को फीडर में डाला जाता है। जहां से एलिवेटर द्वारा ये दाने ऊपर जाते हैं। और पाइप के जरिए ये दाने प्री क्लीनर में जाते हैं। यहां पर दानों को अलग अलग आकार की छलनी में से छानकर उचित आकार के साफ दानों को जमा कर लिया जाता है।
छलनी में चार निकास नालियां होती हैं। पहली में छिलके और छोटे टुकड़े आदि बाहर आते हैं। दूसरी में टूटी हुई दाल और अन्य टुकड़े बाहर आते हैं। तीसरी निकासी से उचित आकार के साफ दाने बाहर आते हैं। चौथी निकासी में दाने आकार में थोड़े बड़े होते हैं। अब साफ किए गए दानों को अन्य फीडर में डाला जाता है, जहां से लिफ्ट के द्वारा इन दानों को दलने के लिए भेजा जाता है। जहां से हॉपर में होते हुए ये दाने एम्ब्रिकोटेड ट्रंकेटेड कोन पर जाते हैं। ये एम्ब्रिकोटेड ट्रंकेटेड कोन एक जाली में एक निश्चित गति पर घूमता रहता है, जो इन दानों को दो भागों में विभाजित करता है, और दाल नीचे की ओर बाहर आकर एक कंटेनर में जमा हो जाती है। टुकड़ों में बटी इस दाल को फिर फीडर में डालकर लिफ्ट के द्वारा ग्रेडिंग के लिए भेजा जाता है। जहां छोटे टुकड़े, चूरा और दाल अलग हो जाते हैं। यहां भी चार निकासी होती हैं, जिसमें पहली में चूरा आदि बाहर आता है, दूसरी निकासी में टुकड़ा दाल और चूरा बाहर आता है, तीसरी निकासी से सही आकार की दाल बाहर आती है, और चौथी निकासी से साबुत दाने बाहर आते हैं जिनके टुकड़े नहीं हुए होते। अब सही आकार की दाल को इकट्ठा करके फीडर में डाल दिया जाता है। यहां इस दाल में छिलके को हटाने के लिए वनस्पति तेल मिलाया जाता है। ये तेल
बूंद बूंद करके दाल में गिरता रहता है। और टूलर के द्वारा तेल हर दाने के ऊपर अच्छी तरह लग जाता है। फिर इस तेल लगी दाल को ट्रे में भरकर धूप में सुखाया जाता है। इस तेल लगी दाल को ट्रे में बराबर फैलाया जाता है और जब ये दाने पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें इकट्ठा कर बहुमुखी दाल मिल में प्रसंस्करण के लिए लाया जाता है। फिर इस तेल लगी दाल को छिलका अलग करने के लिए डी हस्कर में डालते हैं और फिर छिलका अलग हो जाता है और बगैर छिलके वाली दाल एक ओर से बाहर निकलती है। छिलका साइक्लोन सेपरेटर द्वारा एक अलग बोरी में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले छिलके को पशु के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 75 से 78 फीसदी दाल प्राप्त होती है। बहुमुखी दाल मिल ग्रामीण रोजगार और आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन है। अब हम आधुनिक दाल मिल में हैं। यहाँ सभी दलहनों को दाल में परिवर्तित किया जा सकता है। आधुनिक दाल मिल हमारे पारंपरिक दाल मिलों की तुलना में तीन प्रकार से भिन्न होती है। पहला, ये पूरी तरह स्वचालित है, जिसके कारण इसके परिचालन में काफी कम श्रमिकों की जरूरत होती है। दूसरा बड़ा फर्क है दाल बनने में लगने वाला समय। आधुनिक दाल मिल में दाल के प्रसंस्करण में सिर्फ 36 घंटे लगते हैं, जबकि पारंपरिक दाल मिल में 7 दिन लग जाते हैं। अनदर एडवांटेज इज, तीसरा मुख्य फर्क यह है कि इस प्रक्रिया द्वारा पारंपरिक दाल मिल की तुलना में 3-4% अधिक दाल प्राप्त होती है। इसी कारण भारत के साथ अन्य देशों में भी इसे अपनाया गया है। भारत में इस प्रकार के 20 से अधिक संयंत्र मौजूद हैं और कुछ संयंत्र बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में भी चालू हैं। आधुनिक दाल मिल में कच्चा माल यानी दाल को फीडर में डालते हैं। फीडर से लिफ्ट द्वारा ये दाने
पाइप से होते हुए सफाई के लिए पल्स ग्रेडर में पहुंचते हैं। सबसे ऊपर लगी छलनी डंठल तथा अनचाही सामग्री आदि को अलग कर देती है और ये सामग्री पहली नाली से होती हुई नीचे कंटेनर में जमा हो जाती है। दूसरी नाली से मिट्टी तथा छोटे पत्थर आदि नीचे जमा हो जाते हैं। जो दाने उपयुक्त होते हैं वो ग्रेडिंग या कहें छटाई के बाद कंडीशनिंग चैम्बर में आ जाते हैं। हवा ब्लोअर के द्वारा हीटर में गर्म होती हुई पाइप के जरिए कंडीशनिंग चैम्बर में पहुंचती है। इस गर्म हवा का बहाव कंडीशनिंग चैम्बर में ऊपर की तरफ होता है जबकि दाने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ये दाने कंडीशनिंग चैम्बर में आकर जमा होते हैं। कंडीशनिंग चैम्बर में इनकी ऊंचाई 9 से 10 इंच तक होती है। गर्म हवा के संपर्क में आने से ये दाने काउंटर करंट कंडीशनिंग चैम्बर में गर्म हो जाते हैं। कंडीशनिंग चैम्बर में दानों का तापमान 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और इसके बाद ये गर्म दाने नीचे आते हैं कंडीशनिंग चैम्बर से आने वाले ये दाने फिर लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाते हैं। पहुंचते हैं टेम्परिंग बिन में। टेम्परिंग बिन में बीच में कई छिद्रों वाले पाइप लगे होते हैं जिससे होकर हवा दानों को ठंडा करती है। टेम्परिंग बिन में छेद वाली लोहे की जाली लगी होती है। कंडीशनिंग चैम्बर से आए हुए दाने गर्म होने के कारण फूल जाते हैं। इन टेम्परिंग बिनों में इन दानों को 6 से 7 घंटों तक ठंडा किया जाता है जिससे छिलका अपनी जगह रहता है और अंदर का दाना ठंडा होकर सिकुड़ जाता है जिससे छिलका ढीला हो जाता है। इस कंडीशनिंग और टेम्परिंग प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है जिससे छिलका और ढीला हो जाता है। फिर ये दाने टेम्परिंग बिन से पर्लर में आ जाते हैं। पर्लर में घूमने वाला एमरी रोलर लगा होता है जो लोहे की जाली के अंदर 900 आरपीएम की गति से घूमते हुए दानों से छिलका पूरी तरह से अलग कर देता है। पर्लर में 2 निकास नालियां होती हैं। पहली निकास नाली से टूटा हुआ छिलका बाहर आता है। दूसरी निकास नाली से दाल का चूरा बाहर आता है।
पर्लर के इस हिस्से से बिना छिलके वाली दाल, दाल के कुछ टुकड़े और कुछ छिलके पाइप के जरिए फीडर में जाते हैं। जहां से लिफ्ट के द्वारा ये ऊपर जाकर एस्पिरेशन चेंबर में आ जाते हैं। एस्पिरेटर चेंबर में दानों के साथ आए छिलकों को पूरी तरह से अलग किया जाता है, जो कि एक अलग बोरी में जाकर जमा हो जाते हैं, जो पशुओं के आहार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और बाद में दाल के छोटे टुकड़े इस पाइप में से बाहर आ जाते हैं। दाल के बाकी साबुत दाने, टुकड़ा और सही दाल इस छलनी पर आ जाते हैं। जहां साबुत दाने पहली निकासी से बाहर आकर इस बाल्टी में इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें दोबारा दाल बनने के लिए पर्लर में डाल दिया जाता है। बाकी सही दाल और टुकड़े दूसरी छलनी पर आ जाते हैं। इस छलनी में दो आकार की जालियां होती हैं और तीन निकास नालियां हैं। पहली निकास नाली से बारीक टुकड़ा बाहर आकर नीचे कंटेनर में जमा हो जाता है। दूसरी निकास नाली से बड़ा टुकड़ा बाहर निकलता है और कंटेनर में गिरता रहता है। जबकि तीसरी निकास नाली से साफ सुथरी सही दाल निकलकर नीचे कंटेनर में जमा होती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया से 77-80% तक उच्च क्वालिटी की दाल प्राप्त होती है और 98-99% तक छिलका अलग हो जाता है।
आधुनिक दाल मिल की क्षमता करीब 1000 किलोग्राम प्रति घंटे की है और इसमें 100 हॉर्स पावर ऊर्जा की खपत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक दाल मिल लगाने से ग्रामीण इलाकों में जहां एक ओर नए रोजगार उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी ओर आमदनी भी बढ़ेगी।